बाय बाय। ओके ओके बढ़िया से रहना, अच्छा से खाना खाना, ठीक है? ओके, और हमारे चिकन वाला को मत खाना, बाय। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से और एक नए वीडियो पर। तो गाइस आज तो मेरे लिए लास्ट डे ही होगा, तो मैं यहाँ से लगभग निकल जाऊंगा 11 बजे के आसपास। तो अभी तो बज चुके हैं 8 बज चुके हैं और मैं तो ब्रेकफास्ट भी कर चुका हूँ चाची के घर पे, और यहाँ पर थोड़ा सा खाऊंगा और हो सके तो ट्रेन का ऊपर मैं कुछ मतलब खाने के लिए लेके जाऊंगा। मुझे ना वो ट्रेन का खाना इतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चीज़ें मतलब अनहाइजीनिक होगा, तो इसलिए मैं सोचा हूँ कि यहाँ से मतलब वो पट्टा पे और रैप करके मैं कुछ चावल लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरा ना वो रात को 8:50 के आसपास ही ट्रेन है न्यू तिनसुकिया टू लामडिंग। तो मैं लामडिंग तक पहुंच जाऊंगा 3 बजे तक, रात को मतलब सुबह पहुंच जाऊंगा 3 बजे तक, और उसके बाद वहां से त्रिपुरा की ओर रवाना होगा। और गैस में जाऊंगा, बाइक के साथ जाऊंगा, क्योंकि ये बाइक में नामसाई में मेरा एक दोस्त है, दोस्त का घर पे ही छोड़ के जाऊंगा, ताकि आते समय कोई तकलीफ ना हो, और बाइक को आते समय भी बढ़िया से सर्विसिंग करके आ जाऊंगा। और वाइफ को ना हमारे खातिर वो खाना बना रही है, तो सबसे पहले अपना बाइक को मतलब वॉश करके जाएंगे। इससे मैं 26 तक ही कुछ छोड़ के जाऊंगा नामसाई की तरफ पे, यहाँ से लगभग 32-33 किलोमीटर आसपास होगा, उसमें छोड़ के जाऊंगा, ताकि मैं आते आते ना फिर से धूल मिट्टी ना जम जाए ऐसे। तो इसलिए मतलब पहली बार इतना महीने के बाद इसको वॉश करके ही जाऊंगा। मैं बैग को यहाँ पर रख दिया हमें, और हमारा बैग का पूरा हैंडसम हो गया है सफाई करने के बाद। एक्चुअली मैं इसको सफाई नहीं करता, हमें आज तो बहुत दिनों के बाद सफाई किया है, बहुत दिनों नहीं महीनों के बाद, बोले तो 6-7 महीने के बाद सफाई किया हमें। और ये खाना खा रही है, कहाँ खाओ ये, और ये 3 प्रकार का सब्जी। मैं तो ऑलरेडी में खा के आ चुका हूँ चाची का घर से ही, और अभी का लंच में डिब्बा में डल के लेके जाऊंगा, और ट्रेन का ऊपर मैं खाऊंगा, ट्रेन में बैठते तुरंत फिनिश कर दूंगा, और दोपहर को झालमुड़ी खा के फिनिश करूंगा। एक्चुअली मैं बर्फ पर खाना नहीं खाया, हमें बहुत ही कम खाया हूँ, आधा रास्ता में गड़बड़ हो गया तो बस विंगर छूट जाएगा, तो इसलिए बस थोड़ा सा खाया हमें, उस आराम से काम चलेगा। और गैस में ना त्रिपुरा में लगभग मैं 16-17 दिन के आसपास ही रहूँगा मैं, और इससे भी ज़्यादा रह सकता, लेकिन वो टिकट तक ख़त्म हो चुके हैं आने का भी, और एक्चुअली मेरा बर्थडे है ना, तो बर्थडे का वजह से मुझे जल्दी आना पड़ेगा। सो दोस्तों आखिरकार मैं रेडी हो चुका हूँ त्रिपुरा जाने के लिए, और मैं ढेर सारे कपड़ा लिया हमें, क्योंकि जर्नी है ना 15-18 दिन के आसपास ही है, तो इसलिए। और ये तो मैं मेरा दोस्त मतलब भैया के घर पर ही छोड़ के जाऊँगा, और वाइफ हुआ तो ए प्रियंका का तो चौकीदार करो, नहीं तो तुझे खाना नहीं मिलेगा ना वाइफ। हुआ काफी काम पेंडिंग है, लेकिन कुछ काम निपटा दिया हूँ, कुछ काम बाकी है। चलो लास्ट हाक, बाय बाय। मेरा मर्जी, मुझे तो लाइसेंस मिल गया ना, मैं जो भी करूँ अपना मर्जी रहेगी, और मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से। बाय बाय। ओके ओके बढ़िया से रहना, अच्छा से खाना खाना, ठीक है? ओके, और हमारे चिकन को मत खाना। हाँ सिकुर में ना पूरा आतंक मचा के रखा है, जहाँ तक रहते हैं और जहाँ तक रहते हैं आजू बाजू के लोग ना वो खेती करते हैं सब्जी का खेती, वो सब्जी का पुल पूरा खा रहते हैं, आतंक मचा के रख चुके हैं चिकन हुआ, तो उसके लिए काफी गले खाने वाला है ना। सुबह भी कंप्लेन कर रहा था ना चिकन के बारे में। ठीक है, बाय बाय, फिर से बाय। बढ़िया से रहना, और बहुत अच्छा खाना, तुम भी अच्छे से जाना, अपना ध्यान रखना और खूब एंजॉय करना ना। परफ्यूम लगाना भूल गया, कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाते समय एक तो खरीद के लेके जाना, त्रिपुरा में इतना सारा परफ्यूम है, वहां से लगा लेना। क्या हो गया बाइक, कुछ हो गया क्या? वो कैसे सो अभी पहुंच चुका मैं नामसा में, और अभी तो रोड पूरा बंद रहा है धीरे धीरे करके,
रोड पूरा बढ़िया हुआ, लेकिन ब्रेकर बहुत ज्यादा हो गया अभी नमसा के रोड में, और मैं यहाँ पर अपना बाइक को छोड़ कर जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, सो अभी तक नमसा में हूँ, पहुँच गया हूँ मैं, और दुनिया भर का विंगर है तो मेरा तो लगभग 8:50 में ही ट्रेन है, और इसलिए मैं थोड़ा लेट करके जाऊँगा। मैं यहाँ से 1:30 बजे के आसपास निकलूँगा, और बायो मतलब एक वो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो उसका ऑफिस में थोड़ा घूमते हैं भाई। किस तरफ? ओके, इस तरफ निकलेगा। सो अभी चलते हैं यहाँ से, और 2 माइल में जाएगा ना, 2 माइल जाएगा ना, वो जाएगा सबसे पहले, वो सब लेगा। हाँ, उसके बाद 2 माइल में जाएगा, और ये बाया मुझे जा रहा है पहुँचाने के लिए कालम फैमिली ब्लॉक्स भैया, और चलते हैं। मेरा बैग ले लिए हैं, इस तरफ चलना पड़ेगा। फिर से मुलाकात हुआ 26 को, 27 को आ जाएगा, 26। और यह है नमसा टाउन, तो हमारे वहाँ से 33 किलोमीटर पड़ते हैं। ओ, वो बस से यहाँ तक ना? हाँ, 33 किलोमीटर। हाँ, ठीक ही बोला। अभी चलते हैं इस तरफ, ये टाउन, ये ओके पॉइंट में। हाँ हाँ, विंगर वेट करेगा, विंगर वहाँ। हाँ ओके, और मुझे अभी यहाँ पर ना विंगर वेट करना होगा। मैं बस से नहीं जाऊँगा, बस ना बहुत लेट होते हैं, वेट करता है विंगर वहाँ। तो भाई साहब मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है, तो भाई साहब का भाई का घर, मैं अपना बाइक को मैं छोड़ दिया हमें वहाँ पर, तो इसका वो कंट्रोल में रहेगा, चाबी सब दे दिया मैंने इस बाइक को। तो एनी टाइम ये भाई मुझे हमेशा सपोर्ट करता है, जब भी मैं नागालैंड कहीं पर निकलता हूँ और त्रिपुरा में, तो यहाँ पर तो मैं भैया का यूट्यूब चैनल का लिंक भी दे दूंगा, तो कृपया करके सपोर्ट कीजिए भैया को भी, एनी टाइम मुझे सपोर्ट करते हैं। कालम फैमिली ब्लॉग्स, पहले दिल्ली में था, पहले दिल्ली था, अभी फैमिली बन चुका है। तो अभी वेट करता है विंगर वा, आप देख सकते हैं अभी अभी आपका काम हो चुका है, अभी आपको कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि आपका बेटा भी ना स्कूल में, इसलिए टाइम हो रहा है। ओके ओके, तो आते ही होंगे। तेजी से आएगा क्या ना? हाँ, तेजू का आएगा, तेजू का होने से हो जाएगा। और ये पेड़ ना नमसा है, इतना तो वो टाउन ही है, धीरे धीरे करके मतलब शॉपिंग मॉल पे आ चुके हैं, टाउन हो रहा है। रिलायंस का भी हमें खुलने वाला है। ओहो, धीरे धीरे पर टाउन हो रहा है, पता नहीं कब आएगा। ओ विंगर चाहे विंगर, हमको बस पसंद नहीं, क्योंकि बस ना स्नेल की तरह चलते हैं, जो स्नेल हम लोग खाते हैं किचुआ की तरह। थार जीरो, रेस्ट इन पीस थार, पूरा एक्सीडेंट हो गया, अब रोडिंग का चक्कर में होगा। और ये भैया बोल रहा है कि बैग को रखने के लिए, तो बैग पीछे देखेगा तभी ना गाड़ी वाला रुकेगा ना, यही तो इसको देख के रुकेगा। वो लोग सोचता है कि पैसा मिल रहा है, पसंद आ रहा है, मैं पसंद हो रहा, विंगर वेट कर रहा हूँ, नहीं आ रहा है, अभी मैं आपको इस्तेमाल करके फेंक रहा हूँ मैं, अभी कोई ज़रूरत नहीं, अभी यहाँ से जा सकते हैं। भाई जा रहा है अपना बच्चों को लेने के लिए, वो यहाँ पर तो बस आ रहा है, लेकिन मैं बस से नहीं जाऊँगा, क्योंकि ना बस बहुत स्लो होते हैं भाई, हम क्या चाहे विंगर, विंगर बहुत स्पीड होते हैं, तेज होते हैं इसलिए। और यहाँ बस एक तो आ रहा है, विंगर एक तो आ रहा है, पीछे तो विंगर है, आगे में बस है, तो अभी जा कर रखते हैं तीजू का, वो पहुँच चुका है तिनचुकिया वाला, मिल गया फाइनली तिनचुकिया का डायरेक्ट। नमसा से तिनचुकिया 1:12 और मैं फाइनली पेबी कर चुका हूँ, और माधोपुर पहुँच चुके हैं, और अंदर घुसते हैं भाई। अभी अरुणाचल असम बॉर्डर में रुक गए हैं, लगता है यहाँ पर चेकिंग और जो जो ना अरुणाचल से बाहर के होते हैं वो लोग को इंडियन परमिट कटवाना पड़ते हैं यहाँ घुसने के लिए, ड्राइवर साहब को इतना पड़ा क्योंकि घुस परमिट कटना होगा असम बॉर्डर घुसने से पहले ही, और असम से यहाँ आने से कटना पड़ता है, लेकिन वो प्राइवेट लोग को खुश नहीं करते हैं, बस से बस टैक्सी वालों को ही। क्रॉस हो चुके हैं और अरुणाचल असम बॉर्डर अपने अकेले पर गया हूँ, यहाँ पर लेट के पीछे सकते हो आराम से, पैसेंजर गाड़ी है ना, जहाँ तहाँ रुकना पड़ता है, रोड तो ओके है, क्लीन करते हैं सीधा, और पहुँच चुके हैं तिनचुकिया में, और मुझे तो भूख लग रहा है क्योंकि मैं सुबह ऑलरेडी ब्रेकफास्ट खा के आया हूँ मैं,
अभी चलते हैं बढ़िया वाला रेस्टोरेंट में, अभी इस तरफ चलते हैं। काफी अंदर में घुस के खाना भी आ चुका हूँ मैं, तो अभी और मुझे नफर है अभी फाइनली मिल गया है ऑटो रेलवे स्टेशन के लिए और पहुँच चुकी है हमें तिनसुकिया में, न्यू तिनसुकिया जंक्शन इसी में। तो मुझे काफ़ी वक्त करना पड़ेगा वो ट्रेन को, ट्रेन अभी नहीं आएगा, आज बस कर 40 को आएगा, तो ट्रेन का तो आता पाता नहीं है। तो ये रेलवे स्टेशन मतलब काफ़ी वो साफ सुथरा है, तो और मुझे लगभग 3.5 घंटा 4 घंटा के आसपास मुझे वेट करना पड़ेगा, तो अभी आ जाएगा ट्रेन। वाह, धीरे धीरे आदमी इकट्ठा हो रहे हैं। वेटिंग हॉल में भी बहुत गर्म है, बाहर में थोड़ा ठंडा है, तो ऐसे वैसे कुछ भी नहीं है वेटिंग हॉल में। और जो ऊपर में था उसमें ऐसे था, लेकिन वो सब बंद कर दिए गए हैं। और अभी बाहर में रहना ठीक है, बाहर में तो ठंडा ही है, घूम घूम कर रहेंगे, थोड़ा इवनिंग वॉक भी हो जाएगा धीरे धीरे करके। वो आज तो पूरा छत से चल रहा है, वो मुझे भी इन्वाइट किया गया है हमारे गांव की तरफ पे, मेरा दोस्त लोग और यूपी बिहार का दोस्त लोग इन्वाइट किए हैं वहाँ पर, नहीं किया है मैं, फिर भी चंदा दिया हमें वहाँ पर छठ पूजा के लिए। तो और मेरी तरफ आ गया हमें, और दोस्त लोग को बोल दिया कि मैं आ नहीं पाऊँगा, मेरे लिए कंफर्म टिकट है, मुझे पहले से पता नहीं था कि आज के दिन छठ पूजा है बोल के। तो अभी वेट करते हैं भाई, काफ़ी वेट करना पड़ेगा यार। पूरा स्टेशन में एक भी ट्रेन नहीं है, वो वाला बस माल वाला, और यहाँ पर ढेर सारे आदमी इसमें रुका हुआ ट्रेन के लिए, सब के सब जर्नी कर रहे हैं और उनमें से मैं भी। सो अभी 5 बस गए हैं, वेट करते हैं। और आते समय ना विंगर से आते समय काफ़ी तेज चलता है ड्राइवर साहब, और मुझे उल्टी भी आया, चक्कर भी आया, काफ़ी भूख भी लगा। और मैं गया था लोकल खाना खाने के लिए, तो खा के भी आ चुका हूँ, तो इसमें वेट करते हैं। और यहाँ पर भी है खाना, मैं ये रात को निकल के खा जाऊँगा। मैं पाइप को दे दिया है मुझे और जुगा करके यहाँ पर बांध के दिया है प्लास्टिक के अंदर में घुसा के, तो रात को खा जाऊँगा लगभग 10-11 बजे ही फिनिश कर दूँगा खाना। पानी तो बाद में लूँगा, पानी तो ट्रेन में ही मिलता है, ट्रेन वहाँ पे सब जर्नी कर रहे हैं। और मैं दुकान से तो लेता हूँ कोलगेट, बस ब्रश लिया, कोलगेट नहीं लिया हमें। सो अभी चलते हैं कोलगेट घूमने के लिए, मैं ओनली ब्रश के लिए यहाँ कोलगेट नहीं लिया हमें, इधर ही नहीं मिलता है कोलगेट, तो ट्रेन का कोलगेट है वो डुप्लीकेट है, वो सब नकली वाला, हमके चाहिए पूरा ओरिजिनल वाला। और मिल गया मुझे कोलगेट, अभी तो मैं आराम से ब्रश कर पाऊँगा मैं। फाइनली एक तो ट्रेन पहुँच गया है, ये तो सिलीगुड़ी का वेस्ट बंगाल NJPP जाने के लिए, ये हम लोग का नहीं है, ये जहाँ पर मैं चाहूँगा ना वो वाला नहीं, ये दूसरा वाला है, ये गुवाहाटी लिडू का है, सिलीगुड़ी तक पहुँचेगा ये लिडू और गुवाहाटी तक है ये गाड़ी। वाह, यानी कि ट्रेन वाह, और आदमी फूल हो चुके हैं सारा तरफ, फूल आदमी। मेरा तो 8:40 में आ जाएगा, मेरा काफ़ी लेट हो रहा है मेरा, तो काफ़ी भीड़ रहता है कभी कभी, और घर बिताने का भी मतलब वो जगह नहीं मिलते हैं, तो फाइनली मिल गया मुझे घर बिताने का जगह। मतलब जितना है मतलब ऐसे बीतने वाला जगह था सब फूल हो चुका है एक भी खाली में, जैसे तैसे मैं अपना घर को बिता पाया इसमें। और ये भाई साहब जाएंगे तो दिमापुर तक, और दिमापुर वो सुनते ही मुझे भी याद आ रहा है, क्योंकि मैं भी दिमापुर में, मेरा भी काफ़ी सारा दोस्त वहाँ पर भी आ जाएंगे वहाँ पर भी थोड़ा दिन फेस्टिवल में। तो धीरे धीरे खाली हो रहा है, तो ये तो भाग रहा है ट्रेन वहाँ, चाय चाय चाय, पानी बोतल पानी बोतल पानी बोतल बोलने वाला, तो कहाँ पे होगा अंदर वो ट्रेन का अंदर पे, चाय चाय पानी बोतल पानी बोतल। बाय बाय, ये पहुँच गया, और यहाँ पर हमारा गाँव का लोग भी मिल गया, चार लोग टैक्सी वाले, ये लोग एरोप्लेन की वो हवाई यात्रा करने वाले हैं, इसलिए टेस्टिंग करा बुढ़ा होने से पहले वो घूम लेगा बोलते हैं। हमारा गांव से सीधा जाएंगे गुवाहाटी, और गुवाहाटी से फ्लाइट पकड़ के सीधा आएंगे और तिजू में, हमारा वहां से लगभग 30 किलोमीटर ही है, 20-30 ऐसा होगा वहां तक टेस्टिंग के लिए। ज़िंदगी में कभी मतलब वो सवर नहीं किया ना, और हवाई यात्रा और टेस्टिंग के लिए आया है चार लोग एक ही ट्रेन पे। और फिर से और एक तो आ रहा है ट्रेन, और फिर से और एक तो आ रहा है ट्रेन, हम लोग का तो बहुत लेट, 8:40 में पहुँच जाएगा। यहाँ पर है चार आदमी हमारे गांव से है सब, तो अभी प्लेन फ्लाइट के सवारी करने वाले हैं, तो ये चार लोग हमारा गांव का आदमी है, ये पम्पम का बड़ा पापा,
तो चार लोग मतलब बुढ़ा होने से पहले मरने से पहले प्लेन की सवारी करने वाले हैं। और ये है गाइड, सबको लेके जा रहा है। तो घूमना भी चाहिए कभी कभी। और ऐसे मुझे मन है पिताजी को और मम्मी को प्लेन की सवारी करवाना, तो मैं कभी दिन में टाइम निकाल के मम्मी पिताजी को मैं प्लेन की सवारी करवाऊँगा। तो वो लोग काफ़ी ड्रीम्स होंगे लेकिन खोल के नहीं बताते हैं कि वो लोग काफ़ी ड्रीम्स है बोल के, लेकिन पूछेंगे बढ़िया से तो बहुत खुश हो जाएंगे मेरा मम्मी और पिताजी दोनों को ही। तो गुवाहाटी से तेजी तक ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए जा रहे हैं प्लेन की सवारी। चाय पी रहे हैं गाइड। एक्चुअली 5 आने वाला था यहाँ पर, बस वो 4 आया है तो एक मतलब आ नहीं पाया, कुछ उसका पर्सनल रीजन होगा। हमारे गांव का ही है, बचपन से मतलब हमको पहचानते हैं। पिताजी का दोस्त भी है, बेस्ट फ्रेंड भी है पिताजी का। ये दूसरा ट्रेन है, मुझे और 3 घंटे के आसपास वेट करना पड़ेगा तभी हमको ट्रेन मिलेगा। विवेक एक्सप्रेस 22504 8:40 में आने वाला है। रेल के स्टेशन अभी तो फुल था, पूरा खाली हो गया ट्रेन आने के बाद, क्योंकि कुछ लोग इधर में चला गया। लोकल ट्रेन भाई, लोकल ट्रेन अभी यहाँ से उतरेंगे, पूरा उतरेंगे इस तरफ भी। और हमारे गांव का लोग तो खाना खाने गया, मैं यहाँ पर तरह लेता हूँ, मैं बुढ़ा हो गया हूँ यार, मैं तेरह का सामान मैं सौदारी करूँगा अभी। पता नहीं हर कौन सी ट्रेन आ रहा है, ये नीत इंसी गया तो रंगिया तक। रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट। सो वेट करते करते हालत खराब हो गई है, लेकिन ट्रेन में जाने के बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद खाना फिनिश कर देंगे, नहीं तो खाना खराब हो जाएगा भाई। सो रहे हैं यहाँ पर। आदमी तो काफ़ी है आज, मतलब वो पैसेंजर पूरा इतना नहीं है, पूरा ट्रेन पूरा खाली है, एक्सीडेंट है सब कुछ है कारण, तो बहुत ट्रेन को खाली है पूरा, तो सीट भी बहुत खाली है, हर डिब्बे में 200-300 के आसपास खाली है। हम और जिस तरह जा रहा है उसी ट्रेन पर ही, मुझे काफ़ी आगे जाना पड़ेगा, वो आगे पे ही मिलेगा मेरा डिब्बा, तो बीतरी मिलेगा बीतरी, और मुझे बीतरी धुन धुन के काफ़ी आगे जाना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेन ना बहुत लंबा है। विवेक एक्सप्रेस तो डिब्रुगढ़ से स्टार्ट होते हैं और कन्याकुमारी तक चलते हैं, इसलिए ट्रेन बहुत लंबा है। तो मैं बीतरी में पहुँच चुका हूँ, मैं वेट कर रहा है ट्रेनवा को, और सीधा ट्रेन मिलते ही बीतरी 11 पूछना पड़ेगा तो, और यहाँ पर तो 10 मिनट से रुक सकते हैं, लेकिन नाम का 10 मिनट कभी कभी तो 5 मिनट रुकता नहीं, एक तरफ से धोखा रहता है यार। हमारा ट्रेनवा आ रहा है धीरे धीरे करके। विवेक एक्सप्रेस अभी यहाँ पर चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद खाना फिनिश कर दूंगा। हम कच्चा है बीतरी, किधर गया है बीतरी 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 बीतरी। और है का है आ गया दीपू और संजय कुमारी, बीतू और बीतरी। अभी चलते हैं सीधा बीतरी में हमारे त्रिनवा पे, और यहाँ पे अभी चलते हैं अंदर बीतरी। मिल गया 11, हमारा सीट सबसे ऊपर में है, और मैं सिलेक्ट भी किया ऊपर वाला ताकि किसी को भी तकलीफ ना हो, ऊपर बैठ के खाना खा दूंगा। और मैं दूसरा का सीट निपट गया, हमें यहाँ से अपना पड़ेगा बाद में। मिल गया है फाइनली, काफ़ी ठंड लग रहा है, एक कंबल लेके आता तो बहुत मस्त होता है, और भूख भी नहीं लग रहा है। दोपहर का लेके आया था मैं खाना, वो अभी तक तो सही सलामत है, सोच रहा हूँ कि सुबह सुबह खा दूँ। ट्रेन तो ऑलमोस्ट खाली है, क्योंकि छत पूजा है ना, इसलिए पूरा खाली खाली हाई पूरा खाली, लेकिन मैं ऊपर में बंदर की तरह में सर गया हमें, लेकिन आज के वीडियो को ना मैं लंदन में जाकर फिनिश करूँगा, और फिर से और एक तो सुबह सुबह स्टार्ट करूँगा।
ट्रेन हुआ तो स्टार्ट हो गया जा रहा है और कंबल अभी कंबल पे लपेट के सो जाऊंगा बिल्कुल मरा हुआ इंसान की तरह। कल तो शाम को आराम से पहुंच जाऊंगा मैं कुमारगढ़ चौकी लमदिंग में 3-4 घंटे के आसपास मुझे ट्रेन हुआ वेट करना पड़ेगा। ऐसी तो यहाँ पर है ठंडा हवा फूक रहा है इसलिए मुझे काफ़ी ठंडा लग रहा है। अभी तो 9 बजने वाले है नींद आ रहा है तीती आने के बाद जगाएगा तो इसे जाना नहीं चाहिए। दोपहर को मुझे बहुत नींद आया और बस गुड नाइट गैस लमदिंग में फिनिश करूँगा वीडियो को और पहुँचने वाले हैं लमदिंग पे ही और अभी उतरेंगे यहाँ से टी शर्ट उतरेंगे ये लोग भी उतरेंगे। पहुँच गए हैं लमदिंग में अभी उतर जाते हैं और सबसे पहले उतर गया हमें तो अभी यहाँ पर रेस्ट करते हैं भाई अपना नींद मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अपने लोग तो यहाँ तो बहुत ही कम लोग इसमें उतरते हैं लमदिंग पे और मुझे मोबाइल को थोड़ा चार्ज करना पड़ेगा। मैं जिस ट्रेन से आया ना वो ट्रेन जा रही है सुबह सुबह पूरा फॉग हुआ निकल गेल बनी चारों तरफ फॉग ही है और काफ़ी पक्षी है और रेलवे स्टेशन पर गंदा नजर आ रहा है। तिनसुकिया वाला रेलवे स्टेशन बहुत क्लीन है वो रस्ता और हवे का भी आसाम तिनसुकिया का। सो डायरेक्ट 3 बजे तो पहुँच गए हैं यहाँ पर वो लैंडिंग में ही तो वीडियो को अभी फिनिश करना पड़ेगा। सो गाइस कल की वीडियो को आज सुबह सुबह 3 बजे फिनिश करते हैं ना तो मिलेंगे कल फिर से और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस बढ़िया से रहना परफेक्ट खाना खाना और मैं तो जर्नी कर रहा ना तो और नसल से सीधा तिनसुकिया से होके मैं लैंडिंग में उतर गया हमें बाय। त्रिपुरा में बहुत जल्द मिलते हैं।